subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं, हर देवी देवता का कोई ना कोई प्रिय वाहन होता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे खास कारण क्या है? किसी भी मंदिर में जाइए या फिर किसी भी देवी देवता को देखिए, उनके साथ एक चीज़ सामान्य रूप से जुड़ी हुई होती है, वह है उनके वाहन। लगभग सभी भगवान के वाहन पशुओं को ही माना गया है। शिव के नंदी से लेकर दुर्गा के शेर तक और विष्णु के गरुण से लेकर इंद्र के एरावत हाथी तक लगभग सारे देवी देवता पशुओं पर ही सवार हैं। आखिर क्यों? सर्वशक्तिमान भगवान को पशुओं की सवारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि वो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ और जा सकते हैं? क्यों हर भगवान के साथ कोई पशु जुड़ा हुआ है, या क्यों हर देवी देवता के साथ कोई ना कोई पशु जुड़ा हुआ है? भगवान के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय महर्षियों ने भगवान के वाहनों के रूप में पशु पक्षियों को जोड़ा है। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुसार जोड़ा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति की रक्षा। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज़्यादा होता। हर भगवान के साथ एक पशु को जोड़कर भारतीय महर्षियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसीलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मूलतः इसके पीछे एक यही संदेश सबसे बड़ा है। आपको क्या लगता है, गणेश जी ने चूहों को यूं ही चुन लिया, या नंदी शिव की सवारी यूं ही बन गए? भगवान ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी है। यहाँ तक कि उनके वाहन उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। भगवान गणेश और मूषक गणेश जी का वाहन है। मूषक आप सभी जानते हैं, मूषक शब्द संस्कृत के मूष से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक यानी कि चुराने वाला यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से गिरा हुआ होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। शिव और नंदी, जैसे शिव भोले भाले सीधे चलने वाले लेकिन कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाले देवता हैं, तो उनका वाहन है नंदी बैल। संकेतों की भाषा में बैल शक्ति, आस्था और भरोसे का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान के शिव का चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है। सांकेतिक भाषा में बैल यानी कि नंदी इन विशेषताओं को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं, इसीलिए शिव के वाहन हैं नंदी। इसके अलावा कार्तिकेय और मयूर का संबंध, कार्तिकेय के वाहन है मयूर। एक कथा के अनुसार यह वाहन उनको भगवान विष्णु से भेंट में मिला था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें यह वाहन दिया था, जिसका सांकेतिक अर्थ था कि अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय ने साध लिया है। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। माँ दुर्गा और उनकी सवारी शेर। दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक हैं, तो उनके साथ सिंह है। शेर प्रतीक है क्रूरता, आक्रामकता और शौर्य का। यह तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में भी देखने को मिलती हैं। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाज़ें कमज़ोर लगती हैं। इसके बाद माँ सरस्वती और हंस का संबंध। हंस संकेतों की भाषा में पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक होता है, जो कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पर विराज मान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस रखा जा सकता है।
इसके बाद भगवान विष्णु और गरुण जी। जी हाँ, गरुण प्रतीक हैं दिव्य शक्तियों और अधिकार के। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया हुआ है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का यह पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए यह सबसे सही प्रतीक है। और सबसे जरूरी जो आज के कलिकाल में है, माँ लक्ष्मी और उनका वाहन उल्लू। माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे अजीब चयन माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक होता है और माँ लक्ष्मी धन के प्रतीक होती हैं, तो इसीलिए माँ का वाहन जो है वो उल्लू है। तो इस प्रकार से कुछ एक जो है जो पशु रखे गए हैं हमारे देवी देवताओं के वाहन के रूप में, उसका कई मैसेज हो सकता है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर आप धार्मिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं भी करते हैं तो भी ज्ञानवान हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति से आज बहुत सारे पशु पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि आज हम सभी उस दया भाव या करुणा भाव से पशु पक्षियों को देखते ही नहीं है। अगर हमने अपना धार्मिक नज़रिया बदल दिया, जब तक धार्मिक नज़रिया है तब तक है होता है माइंड में कि ये कहीं पर दिख भी जाएं तो मारते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने बचपन से सुना होगा, कहते हैं छोड़ो छोड़ो, ये इस देवता के अमुक देवता के सवारी हैं। इस रूप में बहुत सारे पशु पक्षी बच जाया करते थे, लेकिन जब से ये भाव की कमी आने लगेगी तो उसका परिणाम होगा कि क्रूरता आ जाएगी और इस वजह से पशु पक्षियों का नाश होने लगेगा। और प्रकृति को सही ढंग से बैलेंस रखने के लिए, चलाने के लिए सभी जीवों की आवश्यकता है। सिर्फ केवल मानव रह करके धरती पर इस पृथ्वी को सही से बैलेंस चलाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आज का हमारा ये एक छोटा सा प्रयास था कि हम सभी इस बात को समझ सकें कि पशु पक्षियों को भी सही से जीवन जीने दें और वो हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसके लिए हम अपनी सुरक्षा कर लें, क्योंकि हम सक्षम हैं, मानव हैं, और उनको भी उनका जीवन जीने दें तो बेहतर होगा। चाहे जिस रूप में सेव करें पशु पक्षियों को भी, जैसे कि आपके पेट्स भी हो सकते हैं, उसमें आपके पालतू जानवर हो सकते हैं, उनकी भी केयर अच्छे से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यह आज का एपिसोड रहा। अब आपके मन में कुछ सवाल उठता होगा इससे रिलेटेड, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमें खुशी होगी आप सभी जब इस पर चर्चा करेंगे और अन्य लोगों को भी इसका लाभ देने के लिए आप सभी वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं, ताकि उनका भी विज़न और उनकी भी थॉट्स इस सब्जेक्ट पर पता चले, ताकि मैक्सिमम लोगों को लाभ हो, साथ ही साथ पर्यावरण में उपस्थित सभी पशु पक्षियों का भी कुछ भला हो सके। मिलते हैं इसके बाद एक नए एपिसोड में नई तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।